कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करारा प्रहार किया। सज्जन सिंह वर्मा ने शायराना अंदाज में सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, यदि जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और यदि ग्वालियर और शिवपुरी में जमीन पर कब्जा करना है तो बीजेपी में जाना जरूरी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज को शिवपुरी की जमीन पर कब्जा करना था, इसीलिए वो बीजेपी में गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि शिवराज को डर था कि कहीं कमलनाथ सरकार के आने से उनके भ्रष्टाचारों का खुलासा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने सतपुड़ा भवन की फाइलें साजिश के तहत जलने दी। लेकिन शिवराज यह ना सोचे कि सतपुड़ा भवन की फाइलें जलने से उनके पाप मिट गए, अब हमारी सरकार आएगी तो इनके एक एक भ्रष्टाचार की जांच होगी। उन्होंने कहा था उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, ये शेर दामोदर पूरा कर रहा हूँ, अलग से एक लाइन लिखी है, उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, यदि ग्वालियर और शिवपुरी की जमीन पे कब्जा करना हो तो भाजपा में जाना जरूरी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।